अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सहर। हाउ आर यू? उम्मीद है ठीक ही होंगे। टुडे आई ब्रॉट अ न्यू लेक्चर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सो व्यूअर, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई एवरी अपकमिंग वीडियो कैन रीच यू ईजली। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगेन आवर लेसन। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। What is in the new lesson? So start. Walk. Walk कहते हैं कढ़ाई को, कढ़ाई को walk बोलते हैं English में, जिसमें पकौड़े वगैरह तले जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें तलते हैं। Griddle, तवे को बोलते हैं griddle, जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं, तवा, इसको ग्रेडल बोलते हैं इंग्लिश में। चाय की छलनी को इंग्लिश में टी स्ट्रेनर कहा जाता है, टी स्ट्रेनर, चाय की छलनी को टी स्ट्रेनर। टोंग्स चिमटे को कहते हैं, टोंग्स, ये जो एस है इस एस को बीच में शुमार किया जाता है, एस के बगैर सही नहीं है, टोंग्स पूरा एक लफ्ज़ है, ठीक है। कोंडी डंडा, इसको कहते हैं पिसल एंड मोर्टल, पिसल एंड मोर्टल, टी यहाँ पे साइलेंट है। सीजर का पहले आया है, मैंने नहीं बताया, अब मैं बताती हूँ। सीजर कैंची को कहते हैं सीजर्स, इसके भी आखिर में एस को इंक्लूड किया जाता है। ड्रिल, ये पूरी जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये असल में ड्रिल मशीन है। ड्रिल जो इसके आगे बर्मा लगा होता है, उस बर्मे को इंग्लिश में ड्रिल बोलते हैं, ठीक है, बर्मे को ड्रिल बोलते हैं, इसको ड्रिल मशीन कहा जाता है। और ये है ब्रश, पेंट ब्रश, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ब्रश मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए मुख्तलिफ ब्रशों के मुख्तलिफ नेम्स भी होते हैं, ये पेंट करने की, इसलिए इसको पेंट ब्रश कहा जाता है। ये है स्क्रू रेंच और रेंच, जो नीचे वाली पिक्चर है उसको स्क्रू रेंच बोला जाता है, जो ऊपर वाली है इसको उर्दू में चाबी और इंग्लिश में रेंच बोला जाता है, रेंच, डब्ल्यू इज साइलेंट। हैमर, हथौड़ी को हैमर कहते हैं, हथौड़ी को इंग्लिश में हैमर बोला जाता है, ठीक है। हैंडसा, आड़ी को कहते हैं हैंडसा, हैंडसा आड़ी को। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर में मैंने कुछ किचन की चीज़ें इंक्लूड की हैं, कुछ ज़रूरी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें इंक्लूड की हैं। प्लायर्स, प्लास को बोलते हैं, इसके भी आखिर में एस को इंक्लूड किया जाता है, प्लायर्स, इसको प्लायर नहीं पढ़ते, प्लायर्स बोला जाता है, प्लायर्स। दस्ती रेड़ी, जिसको हाथ के साथ खींचा जाता है, इसको इंग्लिश में व्हील बैरो कहा जाता है, व्हील बैरो, दस्ती रेड़ी, ठीक है। पैमाइश का फीता जो होता है, मापने का फीता, उसको कहते हैं टेप मेजर, या टेप मेजर भी आप कह सकते हैं, टेप मेजर या टेप मेजर। यह है लकड़ी की हथौड़ी, जिसका दस्ता भी लकड़ी का होता है और ठोकने वाली चीज़ जो आगे लगी हुई है वो भी लकड़ी की होती है। ऐसी हथौड़ी को जो फुल बाय फुल लकड़ी की हो, उसको मैलेट कहा जाता है, मैलेट। दरांती, ये अक्सर खेतों में इस्तेमाल की जाती है घास वास काटने के लिए, इसको इंग्लिश में सिकल बोलते हैं, सिकल, दरांती, सिकल, ठीक है। ग्लव्स, ग्लव्स को इंग्लिश में, सॉरी, ग्लव्स कहते हैं दस्तानों को, ये भी किचन की चीज़ों में इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ औज़ार में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको मैंने अपने इस लेसन में इंक्लूड किया है। सीढ़ी, लैडर, लैडर बोलते हैं सीढ़ी को,
लैडर इंग्लिश में, और जो घर में इस्तेमाल होती हैं सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं उसको स्टेयर्स कहा जाता है, स्टेयर्स। बो, कुमान को बो बोलते हैं, इसको आप बाओ नहीं बोलेंगे, इसको बो बोला जाता है। बो मीन कुमान, ठीक है। कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं, एक्स, AXE, एक्स कहा जाता है। जैसे ABC में एक्स का लफ्ज़ नहीं आता, इसलिए इसको एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को। रेती को फाइल कहते हैं, छुरियां चाकू तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये मुख्तलिफ और भी औज़ार तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको फाइल बोलते हैं इंग्लिश में, फाइल। रेती को फाइल बोलते हैं। पेचकस, पेचकस को स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर पेचकस को, जिससे पेच वगैरह खोलते हैं, ठीक है। हथकड़ी, हथकड़ी को हैंड कफ कहा जाता है, हैंड कफ। अब आप कहेंगे कि ये तो घर में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये औज़ार में शामिल होती है, ठीक है, हैंड कफ। परकार को इंग्लिश में कैंपस कहा जाता है, कंपस। परकार को इंग्लिश में कंपस कहा जाता है, ठीक है, ओके, राइट। ये है खंजर, खंजर को इंग्लिश में डैगर कहा जाता है, थोड़ा लिखने में गलत हो गया है इसलिए इसको डैगर कहा जाता है इंग्लिश में। इसके ऊपर ब्लिंकिंग में सही लफ्ज़ में लिखा जा रहा है DAGGER, डैगर। ज़रब अख्तर, आर्मर, ये जंग में इस्तेमाल जो लिबास होता है उसको आर्मर कहा जाता है, आर्मर। ज़रब अख्तर, आर्मर, जो जंग में इस्तेमाल होता है औजार। भट्टी को फोर्ज बोला जाता है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, फोर्ज भट्टी को कहते हैं, भट्टी को फोर्ज बोलते हैं। नेट क्रैकर, स्रोता, ठीक है, जिससे नेट वगैरह क्रैक करते हैं, नेट क्रैकर स्रोता को कहते हैं, राइट। सो व्यूअर, उम्मीद है आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको ज़रूर एंड में सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सो व्यूअर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।